वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे उत्तराखंड पुलिस भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चंस जो कि सेट वाइज होंगे। यानी कि जैसे आपको पता है कि उत्तराखंड पुलिस भर्ती का जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। तो इस पूरी वीडियो को हम चार चार सेक्टर में अलग अलग क्लस्टर करेंगे। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे 25-25 सेट के चार क्वेश्चंस अलग अलग होंगे एमसीक्यू। तो हम ये लगातार सीरीज जो है चालू रखेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चंस है आप देख सकते हैं यहाँ पर, छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया, यह वाक्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन दिए गए आपको, सरल वाक, जटिल वाक, संयुक्त वाक और निरर्थक वाक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसका आंसर है कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसीलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो यह वाक्य जो है आपका जो है संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ कि इत्यादि का जो है छंद विषेद क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास चार ऑप्शन है, इति धन यादि, इति धन यादि और इत धन आदि और इति धन आदि। तो यहाँ पर चार अलग अलग ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पर करेक्ट है। यानी कि जो इत्यादि का जो संधि विच्छेद है ये काफ़ी कॉमन है। अगर आपने ये आई थिंक स्कूल के दिनों में ही ये जो है ऑप्शन पढ़ाया जाता है। आई होप सो आपको सभी को ऑलरेडी आता होगा। यानी कि जो डी ऑप्शन है दैट इज़ करेक्ट, इति धन आदि। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध जो है शब्द कौन सा है। यहाँ पर आप सकते हैं उज्ज्वल और उज्ज्वल और उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। जो आंसर सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दो डबल जो आधे आधे हैं वो जहाँ पर लगा होगा वो आपका जो है करेक्ट आंसर है। यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ। तो जो क्वेश्चन है कि समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, इफेक्टिव और लोकप्रिय शैली कौन सी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर चार ऑप्शन है, वस्तुनिति शैली, वर्णनात्मक, उल्टा पिरामिड शैली और सूचनात्मक शैली। ठीक है, तो अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताना कि आपका जो है फेवरेट इसमें क्वेश्चन कौन से हैं 25 में से। ठीक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर इज दैट उल्टा पिरामिड जो शैली है वो सबसे लोकप्रिय और प्रचलित जो है शैली है समाचार लेखन की। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि यहाँ पर जितनी भी आपको ये सारी चीज़ें 25 क्वेश्चन दिखाए दे रहे हैं पूरा पीडीएफ मैंने जो है अपने टेलीग्राम के ग्रुप में अपलोड किया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज़रूर ज्वाइन करें। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है ईमेल किस जन संचार माध्यम के अंतर्गत आता है। श्रव्य माध्यम, मुद्रण, परंपरागत माध्यम और आधुनिक दृश्य माध्यम के। तो आप जान सकते हैं इंटरनेट है तो ऑब्वियसली सी बात है ये मॉडर्न टाइम की जो टेक्नोलॉजी है। तो आंसर डी सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि अधिकांशतः है कौन सी, वर्णनात्मक, आश्रय रेखात्मक और शून्यात्मक और रोमन। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं वर्णनात्मक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन उतना भी नहीं है कि आप इसको सॉल्व ना कर पाएं, अक्सर काफ़ी कैंडिडेट इसका आंसर जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो बहुत सारा थोड़ा सा घुमा फिरा के यहाँ पर लिखा है कि जो शब्द लिंग, वचन तथा काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं। विकारी शब्द, अविकारी शब्द, रूढ़ शब्द, योग रूढ़ जो है शब्द। यहाँ पर जो एग्जैक्ट आंसर है अविकारी शब्द है। यानी कि जो शब्द जो है लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें जो है अविकारी शब्द कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द क्या है, कर, गंगा, गुरु, धन। तो एग्जैक्ट आंसर इज गंगा जो है। यहाँ ये थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ। तो नीलिमा शब्द जो है प्रयुक्त प्रत्यय है किसका, इमा, लिमा, नी और मा। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो है इमा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है खेत, दाहिना, आज्ञा और किसान। द आंसर है आज्ञा। क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका जो आंसर है वो है सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, इसमें एक ही मात्रा होनी चाहिए। बी क्वेश्चन इज, देश भर में यह बात फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं, न जाने कितने जीव पैदा होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं चार अलग अलग हैं, लेकिन जो अशुद्ध वाक्य है वो यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही मात्रा यहाँ पर आएगी। ठीक है, यहाँ पर आज साफ साफ लिखा हुआ है कि वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते हैं और चढ़ते हुए दिखाई दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपके अनुसार एग्जैक्ट कौन सा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12वें क्वेश्चन की तरफ, किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। द ऑप्शन आर मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और मुक्ति बोध। तो जो एग्जैक्ट आंसर है आप सभी को पता है, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, ये काफ़ी फेमस जो है हमारे राइटर हैं, और ये अक्सर जो है हमने अगर अपनी किताबों में पढ़ा होगा, टेंथ ऑलमोस्टली 8th, 9th, और 10th के आसपास जो है रहते हैं यहाँ सर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13, बघेली किस उपभाषा की बोली है। आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ऑप्शन है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और बिहारी की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बघेली जो है सभी को पता है पूर्वी हिंदी का जो है ये शब्द है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आपकी बंटी किस विधा की रचना है, कहानी, उपन्यास, जीवनी और आत्मकथा। ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जब मैं ये सेट सर्च कर रहा था तो मुझे ये सबसे अच्छा जो है इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा कि आपकी बंटी किस विधा की रचना है। या तो आपको एक बंटी पब्लिक करके एक फिल्म भी आई थी, आपने देखा कि नहीं देखा कमेंट सेक्शन में वो बताना मुझे। तो एग्जैक्ट आंसर है ये है उपन्यास। तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग उपन्यास है, इसको अगर कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल आपको मिले तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ें। आगे बढ़ते हैं, पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं। तो बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा हिंदी से रिलेटेड काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश में जो हम नहीं दे पाते कि हमको मालूम ही नहीं होता। तो हवाई पत्र, निर्यात पत्र, पार पत्र और प्रेषण पत्र। जो तो एग्जैक्ट आंसर है वो सी है, पार पत्र, यानी कि जो पासपोर्ट है उसको हिंदी में क्या कहते हैं कि यहाँ पर पार पत्र कहते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। 78% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ कहाँ से मिलेंगे। और पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती से रिलेटेड रेगुलर हम इस तरह के सेट लेके आएंगे, अलग से हमने एक लिस्ट बना के रखी है तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। 25-25 क्वेश्चन के हम चार सेट लेके आएंगे जो कि कॉम्बिनेशन होगा 100 क्वेश्चन का, क्योंकि अगर हम 100 क्वेश्चन एक साथ अपलोड कर देंगे तो आपको समझने में और देखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हम 25-25 सेट का छोटे छोटे सेट लेके आएंगे आपके लिए, और बाकी ये पूरा सेट आपको हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा, तो टेलीग्राम का ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर आप देख सकते हैं काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन थे। मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरिजा कुमार माथुर। तो जो एग्जैक्ट आंसर है आप देख सकते हैं सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है यहाँ पे इसके एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, गंतव्य अथवा आदेश, निर्देश दिया जाता है को कहते हैं, क्या कहते हैं, निविदा, टिप्पणी, विज्ञप्ति या प्रतिवेदन। तो ये एक तरह से ये एक लॉ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो टिप्पणी, किसी भी मतलब विचाराधीन अगर कोई मामला है अगर तो उस पर आपको विशेष राय देनी है या फिर कुछ आदेश देना है उसको जो है टिप्पणी कहते हैं। तो जो एग्जैक्ट आंसर है दैट इज बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन है ए, ई, रे और ए। तो यहाँ पर जो आंसर है डी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मनोहर श्याम जोशी को सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र है। सॉरी, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी जो है उसके मुख्य पात्र कौन है, बंसीधर, भूषण दत्ताजी राव और यशोधर बाबू। तो काफ़ी ये अच्छी स्टोरी है, अगर आपने नहीं पढ़ी तो एक बार ज़रूर आप इसको भी पढ़ें। जैसे मैंने आपको बोला था नेक्स्ट जो अभी आए थे रिसेंटली बंटी और बबली वाली, बिल्कुल वैसे ऐसे सिल्वर वेडिंग। तो इसके जो पात्र का नाम है आप। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है,
कि पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र जो संग्रह है उसके रचनाकार कौन है, तो आपके ऑप्शन हैं मनोहर श्याम जोशी, बनारसी दास चतुर्वेदी, इलाचंद जोशी और विष्णु प्रभाकर। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि मनोहर श्याम जोशी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन है, 2000 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में। तो एग्जैक्ट आंसर सभी को पता है, काफ़ी ईजी है, 2005 में। वासुकी ताल स्थित है कहाँ पर? केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्री। तो एग्जैक्ट आंसर इज केदारनाथ। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी ईजी हैं, यानी कि जो ऊपर वाला था कि यूनेस्को ने जो है फूलों की घाटी विश्व धरोहर कब किया था, तो 2005 में। और इस तरह से जो वासुकी ताल कहाँ पर है, केदारनाथ में, केदारनाथ के निकट है, सॉरी, यहाँ पर ये सबको आंसर पता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त हुई तो तालेश्वर से, लाखा मंडल से, बाड़ाहाट से और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो आंसर एग्जैक्ट इज लाखा मंडल। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24, अब केवल दो क्वेश्चन बाकी हैं। यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, बाकी इसका पूरा जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पूरा आपको मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? श्यामालाल ताल के किनारे, तड़ागा ताल के किनारे, झिलमिल ताल के किनारे और सिद्ध ताल के किनारे। तो जो एग्जैक्ट आंसर है वो है श्यामालाल ताल के किनारे। तो आप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो हमारा यहाँ पर होने वाला है, कि जो सबसे महत्वपूर्ण है और जिसके बारे में हम ये पूरे एग्जाम की तैयारी कर भी रहे हैं, कि उत्तराखंड में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू हुई थी, यानी कि उत्तराखंड पुलिस विभाग से ही है, 1858 में, 1865 में, 1874 में, 1880 में। तो एग्जैक्ट आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, ये मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ और मैं इसका जो आंसर है पिन कर दूंगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। और ये सीरीज़ हमारी, यानी कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। सबसे पहले हमने 25 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस तरह से नेक्स्ट 25 क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट, कुल मिलाकर हम 100 क्वेश्चन की पूरी एक लिस्ट लगातार आपके लिए हम अपलोड करते रहेंगे। हमारा भागवान है, पूरी प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है, तो उसको एक बार आप जरूर देखें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।